हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से एक और स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं राम संग। तो सबसे पहले तो हम भगवान का नाम लेंगे, जय श्री राम। और उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राम शब्द। आज हम सीखेंगे राम शब्द को कैसे याद किया जाए, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। और इस ट्रिक से हम राम शब्द को याद करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं अपना ट्रिक का जादू, ठीक है। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल सा है, आपको सुनकर अच्छा भी लगेगा। तीन दोस्त होते हैं, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। एक छोटी सी कहानी द्वारा मैं अपना ट्रिक बता रहा हूँ। तीन दोस्त होते हैं, तीनों का नाम होता है अमन, आयत और यश। पिछली वीडियो में मैंने इस ट्रिक पे बनाया भी था बालक शब्द रूप। तो तीनों दोस्त अमन, आयत और यश एक फिल्म देखने जाते हैं, और फिल्म का नाम होता है ये जवानी है दीवानी। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। तो तीन दोस्त थे अमन, आयत और यश, और एक मूवी देखने गए जिसका नाम था ये जवानी है दीवानी। यही है आपका ट्रिक, आइए इस पे काम करते हैं। तो तीन दोस्त कौन कौन थे? तीन दोस्त थे अमन, आ, म और न, अमन, ठीक है। आयत तो आ या, और यहां लिखेंगे त, हो जाएगा आयत, और यस या और स, इस प्रकार से। ये जो है ट्रिक, अमन, आयत, यस, और फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी, ठीक है। अब ये ट्रिक जो है हम लास्ट में ऐड कर लेंगे और बारी बारी से जो है हम इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले हम एक वजन का काम करते हैं, एक वजन पूरा काम करते हैं। मैंने बताना भूल गया कि आपको किसी भी शब्द का रूप बनाना हो, चाहे कोई भी शब्द हो, सिर्फ आकारांत होना चाहिए। आकारांत करने का मतलब है जिसके लास्ट में आ की मात्रा आता हो, जैसे राम है। तो अगर राम को माँ देखें तो माँ में आ की मात्रा जोड़ने के बाद जो है हलंत माँ में आ की मात्रा जोड़ने के बाद ये माँ बनता है, तो इसे हम आकारांत कहते हैं। और जिसके लास्ट में आ की मात्रा आता है उसे आकारांत कहते हैं। तो कोई भी शब्द जो आकारांत हो और पुल्लिंग हो, पुल्लिंग कहने का मतलब जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, ऐसे शब्दों का संस्कृत में रूप बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आपको हर किसी भी शब्द का रूप बनाने में काम आएगा जो आकारांत हो, पुल्लिंग हो। तो सबसे पहले तो कॉलम बनाकर तैयार करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, और इस प्रकार से वचन, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। सभी कॉलम में जो जिस भी शब्द का रूप बनाना हो आप भर लीजिएगा। जैसे कि मैं राम शब्द का रूप बना रहा हूं, तो सभी में मैंने राम राम लिख लिया है, जय श्री राम। अब जो है ट्रिक पे काम करते हैं, अमन, आयत, यस, ये जवानी है दीवानी। तो आ जो है मैंने यहाँ पे लिखा आ, तो ये जो आ है इसमें ऐड कर देंगे। अगर हम राम में आ ऐड करते हैं तो राम का राम ही हो जाएगा, क्योंकि आ के जुड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पर एक विसर्ग लगा देंगे, हो जाएगा राम है। यहाँ है माँ, तो माँ को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा रामम। यहाँ से माँ मैं खड़ा आता हूँ, रामम। यहाँ है ना, तो हम यहाँ पे ना ऐड कर लेंगे और हो जाएगा रामन। बस इसमें क्या कर लेंगे, एक ही मात्रा, तो रामेन। यहाँ आय है, तो राम और आय दोनों मिलकर हो जाएगा रामाय, तो इस प्रकार से कर लेंगे रामाय हो गया। यहाँ त है, तो हम यहाँ त ऐड कर लेते हैं, ठीक है, रामत। बस इसमें एक आ की मात्रा लगाना पड़ता है, तो हो जाता है रामात। यस है, तो या और स जो है इसको हम चेंज कर लेंगे, स को पहले कर लेंगे और या बाद में, तो स पहले और या बाद में, तो स्या हो गया, तो बन गया रामस्य। और एक की मात्रा यहाँ पे है, तो एक की मात्रा तो हम लगा ले सकते हैं, एक ही माता जो है ऊपर चला जाता है, तो रामे हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैं लिखा है वो पहले आ जाता है, हे यहाँ से हटा दिया जाता है, तो ये बनकर तैयार है, एक वचन जो है कंप्लीटली बन गया है। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे राम, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे और हे राम। यहाँ पर जो है विसर्ग लगाएंगे और ये वाला चिन्ह। चलिए अब बात करते हैं द्विवचन के, द्विवचन पे काम करते हैं। तो द्विवचन में कौन सा ट्रिक लगाएंगे? तो इसमें हम ट्रिक लगाएंगे 2-3-2, 2-3-2। कौन सा ट्रिक है? तो ये ट्रिक जो है 2-3-2 ट्रिक है। क्या होता है इसमें कि इन दोनों में, ये जो दो मैंने लिखा है, इन दोनों में
हम औ की मात्रा लगाएंगे, जैसे कि यहां हो जाएगा रामौ और यहां भी हो जाएगा रामौ। क्या लगाए हैं? औ की मात्रा लगाए हैं। इन दोनों में हम औ की मात्रा लगा दिए तो हो जाएगा रामौ। अब इन तीनों में हम आभ्याम लगाएंगे इस प्रकार से और बन जाएगा रामाभ्याम। रामाभ्याम यहां भी हो जाएगा रामाभ्याम और इसमें भी हो जाएगा रामाभ्याम। तो ये जो तीनों होते हैं वो तीनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होता है, ये तीनों सेम होता है और ये दोनों सेम होता है। इसमें क्या करेंगे? यो लगाएंगे इस प्रकार से और यहाँ भी यो, रामयोग रामयोग। तो ये है 2-3-2 फॉर्मूला, यानी कि इन दोनों को सेम, इन तीनों को सेम और इन दोनों को सेम बनाना है। बस थोड़ा सा जो है बदलाव करना है वो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ औ की मात्रा लगाते हैं तो रामो रामो, यहाँ आभ्याम तो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, यहाँ यो लगाते हैं तो रामयो रामयो। अब ये बच गया लास्ट वाला। लास्ट वाला जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है फर्स्ट वाला, तो यहाँ रामो है तो यहाँ भी रामो। बस इसमें क्या करना होता है, पहले लगाते हैं है और लास्ट में एक चिन्ह लगाते हैं, बस बनकर तैयार है। तो द्विवचन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बहुवचन में। बहुवचन का क्या ट्रिक है? तो इसका ट्रिक तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, बस इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ता है, तो आपको कुछ चीज याद भी करनी पड़ेगी। तो क्या चेंजिंग होता है इसमें देख लेते हैं। इसमें बहुवचन करने के लिए आ की मात्रा लगाया जाता है तो रामा हो जाएगा, यहाँ रामान हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा रामय, यहाँ रामेभ्य, यहाँ भी हो जाएगा रामेभ्य, यहाँ रामानाम रामानाम और यहाँ हो जाएगा रामेशु और ये हो जाता है लास्ट वाला ही रामा। इस प्रकार से बनकर तैयार है। तो लास्ट वाला कुछ मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप एक शब्द रूप याद कर लेते हैं, राम शब्द रूप याद कर लेते हैं, तो आप अलग शब्द रूप को बना सकते हैं। सेम चीज होता है, सिर्फ जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है वो चेंज होता है और जो ब्लैक मार्कर से लिखा है। अभी मैंने आपको बताया कि जिस भी शब्द का रूप बनाना है आप उसको इस प्रकार से कॉलम में भर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का राम शब्द रूप। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है अमन आयत यस, ये जवानी है दीवानी। अमन अमन आयत आयत यस, ये जवानी है दीवानी। इसमें लगाया है 2-3-2, यानी कि दोनों सेम, ये तीनों सेम और ये दोनों सेम, लास्ट वाला फर्स्ट वाला ही होता है। और इसमें जो है कोई ट्रिक नहीं लगाया है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ आह की मात्रा यहाँ आन लगता है, ए की मात्रा भ्या भ्या नाम सु और यहाँ पे आह की मात्रा, लास्ट वाला फर्स्ट वाला ही होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का शब्द रूप राम शब्द रूप। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, सच में अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ दो शब्द रूप, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना बने तो वीडियो को फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको देता हूँ बालक शब्द रूप, और अगर आपने बालक बना लिया है या आप जानते हैं तो आप बनाइएगा देव शब्द रूप, ठीक है। इन दोनों में से कोई जो है आप शब्द रूप बनाकर देखिए, अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सेम तरीके से बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो आज का टॉपिक हमारा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे संस्कृत का वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।